The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत. आप बात कर रहे हैं कोविड 19 कोरोना वायरस और अब अस्थमा के बारे में. अस्थमा क्या है या आप जानते हैं, एक लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें के एलर्जीज के वजह से, एलर्जिक रिएक्शन के वजह से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं और फिर उसे खोलने के लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं. तो इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, जो कि ऑलरेडी लोगों को सबको डरा रहा है, ऑलरेडी जिनका अस्थमा है, जब वो डर जाते हैं तो उनका अस्थमा और बिगड़ सकता है. ऐसे कंडीशन में क्या अस्थमा से वजह से या एस्थमा, जो भी आप कह लें, एस्थमा की वजह से इस बीमारी की होने की क्षमता बढ़ जाएगी, बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे या क्या होगा, ये सवाल उठता है. अगर हम रिसर्च को देखेंगे कि जब चाइना में या इटली में जितने पेशेंट्स हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को जिनको अस्थमा था, 140-150 पेशेंट जिनको अस्थमा था, उनके रिसर्च में ये देखा गया कि एस्थमा के वजह से आपके चांसेस नहीं बढ़ जाते इन्फेक्शन होने के. सबसे पहली बात तो ये, सो देर इज नो एविडेंस दैट इंक्रीज्ड इन्फेक्शन रेट इज देयर इन पेशेंट्स विद एस्थमा, राइट? देर इज नो सच एविडेंस. नाउ व्हेन वी से दैट देर इज नो सच एविडेंस, दैट मीन्स कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो बोल सके. लेकिन परंतु आपको यह समझना है कि अगर एस्थमा वाले पेशेंट को ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जो हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी वायरस जा सकता है, हो सकता है, तब उनके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे. कि एस्थमा के वजह से ऑलरेडी जो भी लंग्स के ऊपर क्रोनिक स्ट्रेस है, प्रेशर है आपके, और प्लस इसका अगर इन्फ्लामेशन आप जोड़ देंगे तो ये दिक्कत हो जाएंगे. सो बेसिक चीज है, कई सारे लोग इस चीज के लिए भी वंडर कर रहे हैं, मतलब ये बात सिंपल होगी कि अस्थमा पेशेंट्स को इंक्रीज चांसेस नहीं है, लेकिन उनको भी सेम प्रिकॉशंस रखने हैं जो सब रख रहे हैं. ऑब्वियसली बात है, सबको पता है प्रिकॉशंस क्या है, बार बार बता चुके हैं, राइट? एस्थमा पेशेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कि उनको अगर हो जाता है तो उनको रिस्क बढ़ जाएगा कॉम्प्लिकेशंस आने का, सीरियस बीमारी होने का, राइट? सो आपको अपने तरफ से अपने प्रिकॉशंस खुद के रखने हैं. पे जिनको एस्थमा की दवाएं चल रही हैं, वो ए टू जेड सेम टू सेम दवाएं कंटिन्यू करें, अपने डॉक्टर से बात करके दवाएं टाइम टू टाइम अपडेट करें, जैसा भी नीड है उनकी कंडीशन जैसी है उसके हिसाब से. और ऐसे कई लोग भी कह रहे हैं कि अस्थमा वाले पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स जो ले रहे हैं, जो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, वो नहीं लेने चाहिए, या जब स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड से आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. यू कंटिन्यू टू टेक योर मेडिसिन, योर कंट्रोल्ड मेडिकेशंस, डू नॉट स्टॉप देम. ये रिकमेंडेशन है पूरी दुनिया की मेडिकल फ्रेटर्निटी की. सो सिंपल सी चीज है जो डेटा सजेस्ट कर रहा है कि यस, स्टीरॉइड रैदर मदद करता है इन इंक्रीजिंग द श्रेडिंग ऑफ SARS-CoV-2 वायरस व्हेन इट कम्स, जब हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली सार्स का जो मेन प्रॉब्लम आता है, जो इस वायरस को, कोरोना का मेन प्रॉब्लम आता है, वो आपकी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा खूंखार इम्यून रिएक्शन के वजह से आता है, साइटोकाइन स्टॉर्म जब होता है उसके वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और उस कंडीशन में स्टीरॉइड एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, मदद करता है हमें उसको रिस्पॉन्स को कम करने के लिए. इसीलिए स्टीरॉइड भी एस्थमा के पेशेंट में दिया जाता है, क्योंकि आपकी खुद की बहुत ज़्यादा एक्टिव इम्यूनिटी आपको तंग कर रही है, राइट? सो ये ज़रूरी है. सो एस्थमा की आप सेम टू सेम मेडिसिन लेंगे, सेम टू सेम आपका रिस्क है होने का. जो भी एस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में रहें,
समझते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हाथ धोएं, ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, और किसी भी तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क नहीं है उनको, लेकिन उनको जब हो जाता है तब थोड़ा रिस्क रहेगा जो आपको बढ़ा सकता है बीमारी के कॉम्प्लिकेशन। सो कोविड 19 कैन मेक एस्थमा वर्स, बट एस्थमा कैन नॉट इंक्रीज योर सेंसिटी, योर चांसेस ऑफ हैविंग कोविड 19, एंड पीपल हु हैव एस्थमा कैन प्रिवेंट एस्थमा बाय डूइंग व्हाट, अगेन अपना इनहेलर लेते रहो, नेबुलाइजर लेते रहो, अपने ट्रिगर्स, स्मोक, एलर्जी, एयर पोल्यूशन से बचो, क्राउड और ऐसे लोग जो सिक हैं, बीमार हैं, उनसे बचिए, हाथ वार धोते रहिए, अपना मुंह को हाथ ना को हाथ ना लगाएं, आप सब ठीक रहेंगे। सो दिस इज द बेसिक अबाउट पीपल विथ एस्थमा, मेक श्योर टू बी इन टच विथ योर डॉक्टर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी आर हियर टू आंसर, प्लीज डू दैट। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर द वीडियो फॉर द पीपल ऑफ एस्थमा, जिनको एस्थमा है उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, राइट?